योग पर निबंध प्रस्तावना योग के संस्थापक पतंजलि के अनुसार जो मन की वृत्तियों पर नियंत्रण करती हैं वही योग है। योगः चित्तवृत्तिः निरोधः। योग कला की उत्पत्ति भारत में हुई थी। योग शरीर तथा मन के संबंधों में संतुलन बनाने में हमारी सहायता करता है। योग के प्रकार और आसन। योग कई प्रकार के होते हैं। जैसे राजयोग, जन योग, भक्ति योग, कर्म योग, हस्त योग। योग में विभिन्न प्रकार के प्राणायाम और कपालभाति जैसी योग क्रियाएं शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावी सांस की क्रियाएं हैं। सूर्य नमस्कार, शीर्षासन, पद्मासन आदि विभिन्न प्रकार के आसन विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। योग के महत्व। योग का नियमित अभ्यास हमारे शरीर को सही आकार देता है। योग का नियमित अभ्यास करने से लोगों को सांस संबंधी समस्याओं और उच्च व निम्न रक्तदाब जैसी बीमारियों से आराम मिलता है। यह हमारे शरीर में कई सारे सकारात्मक बदलाव लाता है। और शरीर के अंगों की प्रक्रियाओं को भी नियमित करता है। योग के नियमित अभ्यास के द्वारा हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। निष्कर्ष। पूरे विश्व में योग के महत्व को समझते हुए इक्कीस जून को विश्व योग दिवस मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया गया। योग करके हम अपने शरीर की अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यह बीमारियां ही नहीं ठीक करता बल्कि याददाश्त, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, मोटापा, मनोविकारों को भी दूर भगाता है। शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ाने का योग से अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अपने सुझाव फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बता दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के अपलोड्स आपको पता चलती रहें। बाय बाय।